إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وملائكته فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واديا صلى الله عليه بها أبشرا رواه مسلم बाद में कहा अरे मुसलमानों तुम भी नहीं बोल सकते
लेकिन ये पहली आयत है जिसका ताल्लुक जरूर जरूर शराब से है जो बीच में जा रही हो नदी का हमू अल्लाह तआला का हुक्म दे रहा है ऐ मुसलमानों तुम भी नबी पर दरूद भेजो। नबी पर दरूद भेजना ये बहुत जरूरी है, नबी पर दरूद भेजना बहुत जरूरी है। हमारे नबी से मोहब्बत की जहां पहचान है वही नबी पर दरूद भेजना एक बहुत बुनियादी चीज है। बगैर दरूद के बगैर दरूद सलाम के हमारी नमाज सलाम नहीं कहलाती, हमारी नमाज सलाम नहीं कहलाती। जब हम नबी पर दरूद भेजते हैं तशहुद में रहते हैं सलाम देने से पहले बैठते हैं तशहुद में दरूद तशहुद पढ़ते हैं तहिय्यात पढ़ते हैं फिर दरूद शरीफ पढ़ते हैं तब जाकर के हमारी हमारी नमाज कबूल होती है। ऐसे ही जनाजे की नमाज भी सूरह फातिहा के बाद सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया गया है और ये नमाज का बुनियादी रुकन है। जब तक कि कोई मुसलमान अपनी नमाज में चाहे जनाजे की नमाज हो चाहे फर्ज नमाज हो चाहे नफिल नमाज हो चाहे फर्ज नमाज हो चाहे नफिल नमाज हो चाहे इमाम पढ़ रहा हो या मुसी पढ़ रहे हो तनहा पढ़ रहे हो या इमाम की बात पढ़ रहे हो दरूद शरीफ का पढ़ना नमाज की बुनियादी अरकान में से है। जब आप नबी पर दरूद भेजेंगे तभी हमारी नमाज पूरी होगी वरना नमाज पूरी नहीं होगी। आइए आज के जुमे के खुतबे में इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का फायदा क्या है, हमको क्या मिलेगा, उसकी फजीलत क्या है, उसका फायदा क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी कहते हैं जो आदमी मुझ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जो आदमी मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है जो शख्स मुझ पर एक मरतबा जिंदगी पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर 10 रहमतें डाल देता है। हम दरूद भेजे एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत नाज़िल होती है हम पर 10 बार 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। हमारा कितने परेशान है, हमारे घरों में सुकून नहीं है, हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है, हमारे कारोबार में सुकून नहीं है, हमारी आवाज बिगड़ रही है, घर का माहौल खराब हो रहा है, झगड़े लड़ाई बढ़ती चली जा रही है, नफरतें फैल रही है। हमारी जिंदगी में एक चीज कम हो गई कौन चीज, दरूद शरीफ पढ़ने का हम एहसान ही नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन की 10 रहमतें नाज़िल होती है, हम नबी पर एक मरतबा दरूद भेजे रब की 10 रहमतें नाज़िल होती है। रहमत किसे कहते हैं, जिसको रब की रहमत मिल जाए, जिसको अल्लाह की रहमत मिल जाए उसकी जिंदगी बड़ी सुकून होती है, उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, उसकी जिंदगी में कल बरकत आती होती है, उसकी जिंदगी बड़ी खुशहाली के साथ गुजरती है। लेकिन जिसकी जिंदगी में रब की रहमत ना हो वो आदमी इंतहाई परेशान होता है, इंतहाई परेशान होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत चाहते हैं तो हम नबी पर दरूद भेजे और एक वक्त हम दरूद भेजेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत आ जाएगी। इसी तरीके से दरूद शरीफ के पढ़ने की फजीलत के कारण से एक बहुत ही मशहूर रिवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सल्ला अलैहि सलातु वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरफ अलवाद व हुत्त अहु अशरफ अलियात व रुकियत लहु अशरफ दरजात। नबी शरीफ की रिवायत के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उस पर एक मरतबा दरूद भेजता है उस पर 10 बार 10 दरजे अल्लाह की नाज़िल होती है और उससे 10 गुनाहों को मिटा दिया जाए। दरूद शरीफ पढ़ने का फायदा क्या है कि हम एक मरतबा दरूद पढ़ते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारे 10 गुनाहों को मिटा देता है। अब तो जो गलती हुई अब तो जो गुनाह हो गया चलते फिरते उठते बैठते हम गुनाह करते ही चले जाते उसकी माफी राजी कैसे होगी, गुनाह माफ कैसे होंगे। मौसारी ने क्या है एक नेकी की है कि हम नबी पर दरूद भेजें अल्लाह तबारक व तआला एक दरूद के बदले में हमारे इस गुनाह को मिटा देता है। ऐसे गुनाहों को मिटाता नहीं है जहां अल्लाह की 10 रहमतें नाज़िल होती है वही 10 गुनाह माफ होते हैं। उसी के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया वरुकियत लहु अशर दरजात उसके लिए अल्लाह तआला 10 दर्जा बुलंद कर देता है। उस इंसान के जो दरूद भेजता है नबी पर 10 दर्जात को अल्लाह तआला बुलंद कर देता है उसके 10 दर्जे भी दिए जाते हैं बुलंद हो जाते हैं ये दरूद का फायदा है। इसी तरीके से दरूद शरीफ पढ़ने का एक फायदा ये है नबी की कुर्बत मिलती है, नबी की कुर्बत मिलती है। कल कयामत के दिन वो आदमी
नबी से ज्यादा करीब होगा, नबी का पड़ोसी होगा, नबी का साथी होगा, जो आदमी दुनिया के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत जरूर भेजता हो। क्या नबी का सलाम ने फरमाया, औल الناس لي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة في مشرك يوم القيامة। कि कल कयामत के दिन मुझसे वो आदमी बहुत करीब होगा। और सुनिए प्यारे नबी कहते हैं कि कल कयामत के दिन वो आदमी मुझसे करीब होगा, बहुत करीब होगा। अक्सरहुम अलैहि सलातन, जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजने वाला हो, जो मुझ पर ज्यादा दरूद पढ़ने वाला हो, भेजने वाला हो, वो आदमी कल कयामत के दिन मुझसे बहुत करीब होगा, मेरा साथी होगा, बल्कि यूं कह लीजिए मेरा पड़ोसी होगा। दरूद पढ़ता हो, दरूद भेजता हो,
उसके लिए मेरी शफात वादी हो गई। वो आदमी शफात को पा लेगा। कौन आदमी पाएगा? जो आदमी सुबह शाम नबी पर दुरूद भेजता हो, दस मरतबा सुबह के वक्त और दस मरतबा शाम के वक्त नबी पर दुरूद भेजने वाला इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात को आखिरत की दिन कयामत की दिन हश्र के मैदान में उस आदमी को मिल जाएगी जो आदमी नबी पर दुरूद भेजता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर दुरूद भेजने को जब भूल जाए, जो आदमी नबी पर दुरूद ना भेजे वो जन्नत के रास्ते को भूल गया है। जो आदमी नबी पर दुरूद नहीं भेजता हो, नबी पर दुरूद भेजने को भूल जाता हो, हकीकत में वो आदमी जन्नत के रास्ते को भूल रहा है, जन्नत के रास्ते से भटक रहा है। जैसे कि सब सलाम ने फरमाया, मन नफ्स या सलात आई है, जो आदमी उस पर दुरूद भेजने से भूल जाए, उस पर दुरूद ना भेजे, भूल गया, दुनिया के काम वाले ना क्या नबी पर दुरूद भेजता ही नहीं कभी, भूल गया। क्या कहती है कि खौफ नहीं है कौन ही कल जन्नत, दरअसल जन्नत के रास्ते से भटक गया है, जन्नत के रास्ते से भूल गया है। कौन आदमी? जो शख्स नबी पर दुरूद ना भेजा हो, और जो आदमी नबी पर दुरूद ना भेजे उस आदमी को प्यारे नबी की तरफ से बकील कहा गया है। हम आप क्या समझते हैं? बकील उसको कहा जाता है जिसके पास पैसे होने की खर्च ना करता हो, मगर प्यारे नबी की तरफ सलाम ने उस आदमी को बकील कहा दिया है जिसके जो नबी पर दुरूद ना भेजा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सुनन तिर्मिजी की रिवायत है, अल्लाह के नबी कहते हैं, अल बकील अल्लज़ी कद बुकित इंदहू फलम युसल्ली अलैहि, बकील है वो शख्स, बकील है वो शख्स, कंजूस है वो शख्स जिसका तज़किरा है, जिसका तज़किरा उसके बाद मेरा किया गया, जिसके बाद मेरा जिक्र किया गया, मेरा तज़किरा किया गया, लेकिन फिर भी उसने जिक्र दुरूद नहीं किया। जब नबी का जिक्र हो, नबी का तज़किरा हो, उस वक्त नबी पर दुरूद भेजना चाहिए, नबी पर दुरूद भेजना चाहिए। बकील है वो शख्स जिसके सामने नबी का तज़किरा किया गया हो, वो आदमी नबी पर दुरूद ना भेजा हो। ऐसी आदमी के ताल्लुक से बद्दुआ भेजी है, जो आदमी नबी पर दुरूद नहीं भेजता है उस आदमी के सिलसिले में बद्दुआ भेजी है। अल्लाह के नबी साहब कहते हैं, अब मेरा अंत को अवधि जुकिर तो इन दो फलम निकल गया है। तिब्बती शरीफ की रिवायत के अल्लाह के नबी कहते हैं, उस आदमी की नाक कट जाए, उस आदमी की नाक टूट जाए, उस आदमी की नाक था उसकी नाक था आलू हो, उसके नाक की पिट्टी लग जाए, बदनाम हो जाए, सही हो जाए। और आदमी अल्लाह ने भी इसका बदला फरमाया, जुबीर तुरंत हो पर निकल गया नहीं, जिसका तस्करा किया गया उसके साथ में, मेरा जिक्र उसके साथ में किया गया, लेकिन फिर भी उसने जिक्र जरूर नहीं किया। यदि जहां मेरा जिक्र हो, नबी कहते मेरा तस्करा हो, वहां आदमी जिक्र के बाद उस पर जरूर नहीं कर रहा है, ऐसा आदमी ऐसे आदमी की नाक कट जाए, जलील हो जाए, उसकी नाक टूट जाए, नाक पर मिट्टी लग जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से फायदा ये होगा कि हमारी दुआएं कबूल होगी, हमारी दुआएं कबूल होगी, दुआ हमारी इस वक्त कबूल होती है जब हम दुआओं के नबी पर दुरूद भेजते हैं। दुआ के आदाब क्या है? पहले अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। दुआ कैसे करना चाहिए? नमाज जनाजे से के जनाजे यहां हम पढ़ते हैं, उससे हम दुआ का तरीका सीख सकते हैं। जनाजे के बाद में अल्लाह अकबर के बाद क्या पढ़ा जाता है? सूरह फातिहा पढ़ा जाता है। अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। अल्लाह ताला ने इस दुआ के सुर में अल्लाह की तारीफ बयान की है। जनाजे के अंदर सूरह फातिहा के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। अल्लाह की तारीफ बयान करने के बाद दुआ में जो दूसरी चीज है वो नबी पर दुरूद भेजा जाए, और नबी पर जब दुरूद भेजा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी दुआओं को कबूल करता है, और जिस दुआ में नबी पर दुरूद न भेजा जाए वो दुआ कबूल नहीं होती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला कहा करते थे, इन दुआ का वकूफ बैन السماई व الارض, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला कहते थे कि ये दुआ जमीन और आसमान के बीच धरती होती है, इन दुआ का वकूफ बैन السماई व الارض, कि हम जो दुआ करते हैं ये दुआ जमीन और आसमान के बीच रहती है, मौकूफ रहती है, धरती होती है। ला यसअलु मिनहु शय, दुआ ऊपर चढ़ती ही नहीं, आसमान के ऊपर अल्लाह रब्बुल अलमीन तक जाती ही नहीं, हत्ता तुसल्ली अला नबी, जब तक कि तुम अपने नबी पर दुरूद नहीं, जब तक तुम अपने नबी पर दुरूद नहीं भेजो, तो कौन कहता नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुआओं में दुरूद की वजह से जिक्र नहीं करोगे,
अल्लाह सल्ली अला अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, इसको दरूद इब्राहिम कहा जाता है। इसको नहीं पढ़ोगे दुआ कबूल नहीं होगी। ये दरूद शरीफ पढ़ने के कुछ फायदे बयान किए जा रहे हैं, कुछ उसके फजीलतें बयान की जा रही थी। हमारी औलाद की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जिंदगी में सुबह शाम दिन रात जब हमको मौका मिले हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दरूद सलाम भेजने की कोशिश करें। ये नबी से सच्ची महब्बत की दलील है। नबी पर ईमान लाने के तकाज़ों में से अहम तकाज़ा ये है, जैसे हम नबी की सुन्नतों को अदा करते हैं, नबी की तालीमात पर अमल करते हैं, नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारते हैं, इसी तरीके से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा दरूद भेजें। हजरत इब्न जौदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल नबी पर दरूद भेजो, अल्लाह के रसूल नबी पर दरूद भेजने को लाजिम पकड़ लो, कसरत से दरूद भेजो, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी आदमी से खैर चाहता है, जब किसी आदमी से अल्लाह तबारक व तआला खैर चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जुबान पर दरूद को जारी कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है, खैर का इरादा करता है, अच्छाई का इरादा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी की जुबान पर इस दरूद को जारी कर देता है, यानी वो आदमी नबी पर बरकत दरूद भेजता है और अपनी जुबान में दरूद को पढ़ते रहता है तो वो साफ का फिर करता है। अल्लामा इब्न कय्यिम जौदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर हम अपनी सांसों के बराबर भी नबी पर दरूद भेजें, जितनी हमारी सांसें आती जाती हैं, जितनी हमारी सांसें आती आती रहती हैं, उस सांस के बराबर भी, सांस के बराबर भी अगर हम नबी पर दरूद भेजें, फिर भी दरूद का हक अदा नहीं होगा। नबी पर दरूद भेजने का जो हक है वो हक अदा नहीं हो सकता है। सोच सकते हैं कि नबी पर दरूद भेजने का मकाम क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी फजीलत क्या है। इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम नबी पर दरूद भेजने के लिए अपने औकात को निकालें। जब हम नबी पर दरूद भेजेंगे हमारी जिंदगी से बहुत सारे जो गुनाह होते हैं छूट जाएगा। जैसे हम अपने वक्त को बर्बाद करते हैं गीबत में, चुगली में, एक दूसरे को लड़ाने में, एक दूसरे को भड़काने में, आग लगाने में और झगड़े लड़ाई में, और जो अपने वक्त को लगो और खुराफाती कामों में, शैतानी कामों में लगाते हैं, इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी की, हमारे वक्त की और हमारी हयात की हिफाजत करेगा और हमको खैर के कामों में तौफीक देगा। अल्लाह तआला से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सारी मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकसरत दरूद भेजने की तौफीक अता फरमाए और हमें जो बीमार है अल्लाह तबारक व तआला हम उन तमाम मरीजों को शिफाए कामिला अता फरमाए और जो परेशान आदमी की परेशानी को दूर फरमाए और जो तंदरुस्त अल्लाह तआला की तंदरुस्ती को दूर फरमाए और जो मकरूह अल्लाह तआला के कब्र के अलग रास्ता हमवार कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لذنوبكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.